हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाह वीडियोस। और दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 27 जुलाई 2018 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन, जो आज हम इस वीडियो में आपके लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आज के जो वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ग्रीन महानदी मिशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, ग्रीन महानदी मिशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी मध्य प्रदेश या फिर डी झारखंड। तो दोस्तों, उसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी उड़ीसा। ठीक है, तो हाल ही में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने ग्रीन महानदी मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, ग्रीन महानदी मिशन की शुरुआत उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने शुरू की है। ठीक है, अब साथ ही साथ ये बात आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन महानदी मिशन आखिर है क्या। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ग्रीन महानदी जो मिशन है, वो बेसिकली एक वृक्षारोपण मिशन है, जिसमें उड़ीसा में महानदी व उसकी सहायक नदियों के किनारे पर लगभग 2 करोड़ वृक्ष लगाने का उद्देश्य है। ठीक है, उड़ीसा में महानदी व उसकी सहायक नदियों के किनारे पर 2 करोड़ वृक्ष लगाने का उद्देश्य है, जो है ग्रीन महानदी मिशन का। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे महानदी की। तो एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध कहाँ है और किस नदी पर। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, हीराकुंड बांध महानदी पर और उड़ीसा में है। ठीक है, जो आप देख पा रहे होंगे ग्रीन जो है, ये क्या, ग्रीन महानदी मिशन। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए मिशन इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है। जी हाँ, आपको बताना है कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए मिशन इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है। आपके ऑप्शन है ए फेसबुक, बी अमेजन, सी गूगल या फिर डी बिजनेस फ्रांस। तो दोस्तों, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिजनेस फ्रांस। ठीक है, तो आपको बता दूं कि मिशन इंडिया के तहत इन्वेस्ट इंडिया और बिजनेस फ्रांस का समझौता हुआ है। ठीक है, मिशन इंडिया के तहत इन्वेस्ट इंडिया और बिजनेस फ्रांस का समझौता हुआ है। अब बिजनेस फ्रांस आप समझ लीजिए कि जैसे मिशन इंडिया में इन्वेस्ट इंडिया में अगर कोई काम हो रहा है उसमें इन्वेस्ट के लिए इन्वेस्ट इंडिया है, तो वैसे जो फ्रांस की एजेंसी है बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए, उसका नाम है बिजनेस फ्रांस, जिसने हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर मिशन इंडिया के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने पॉइंट्स आपके कवर हो जाते हैं। बाकी बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ट्रेडर्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है। जी, आपको बताना है कि हाल ही में हुए ट्रेडर्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है। ठीक है, ट्रेडर्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है। तो आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ए सुषमा स्वराज, बी राजनाथ सिंह, सी नरेंद्र मोदी या फिर डी रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों, उसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी राजनाथ सिंह। ठीक है, भारत के जो करंट गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने, उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में ट्रेडर्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। ठीक है, ट्रेडर्स कॉन्क्लेव का नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं ट्रेडर्स कॉन्क्लेव में होगा क्या। तो ट्रेडर्स कॉन्क्लेव ये जो होगा, उसमें जीएसटी और बिजनेस रिलेटेड चर्चाएं होंगी। ठीक है, जीएसटी और बिजनेस रिलेटेड चर्चाएं होंगी ट्रेडर्स कॉन्क्लेव में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही, बाकी बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि राज्यसभा के अंदर मीडिया पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है। जी, आपको बताना है कि हाल ही में राज्यसभा के अंदर मीडिया पर प्रतिबंध किस राज्य ने लगाया है। आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी तेलंगाना या फिर डी कर्नाटक। तो दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक ने हाल ही में अपनी विधानसभा के अंदर मीडिया को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे कर्नाटक के विधानसभा की। तो आपको ये क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जा चुका है, मैं आपको बता देता हूँ कि कर्नाटक की विधानसभा का क्या नाम है। तो कर्नाटक की विधानसभा का नाम है विधानसौधा। ठीक है, विधानसौधा नाम है कर्नाटक की विधानसभा का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने पॉइंट्स, बाकी बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि दिल्ली सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। जी, आपको बताना है कि हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। आपके ऑप्शन है ए आजीविका योजना, बी सोलर योजना, सी मछली पालन योजना या फिर डी पशुपालन। ठीक है, तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी सोलर योजना। ठीक है, तो जैसा आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सोलर योजना की शुरुआत की है।
अब ये सोलर योजना है, इसका जो पूरा नाम है मैं आपको बता देता हूँ, मुख्यमंत्री कृषि आय बढ़ोतरी सोलर योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री कृषि आय बढ़ोतरी सोलर योजना, ये जो है योजना का नाम है। अब बात करते हैं इस योजना के बारे में, सोलर योजना के बारे में। तो दिल्ली में किसानों की जो भूमि है उस पर 3.5 मीटर ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ज़मीन से 3.5 मीटर ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे वे ज़मीन पर खेती के साथ साथ सोलर पैनल का भी लाभ ले सकें, ठीक है। तो इस योजना का ये मकसद है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि दिव्यांगों हेतु एक अलग निदेशालय स्थापित करने का फैसला किस राज्य द्वारा लिया गया। जी आपको बताना है कि हाल ही में दिव्यांगों हेतु एक अलग निदेशालय स्थापित करने का फैसला किस राज्य द्वारा लिया गया है। आपके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी असम या फिर डी उड़ीसा। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी असम, ठीक है। तो असम राज्य ने हाल ही में दिव्यांगों हेतु एक अलग निदेशालय स्थापित करने का फैसला लिया है, और साथ ही साथ इन्होंने 4500 वैकेंसीज निकाली हैं, 4500 वैकेंसीज निकाली हैं, और वो भी सिर्फ दिव्यांगों के लिए, ठीक है। 4500 वैकेंसी निकाली है असम सरकार ने सिर्फ दिव्यांगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। जी आपको बताना है कि इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी अटल इनोवेशन मिशन, सी माई जीओवी या फिर डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी इनमें से सभी, ठीक है। नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और माई जीओवी ने मिलकर इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म की को लॉन्च किया, ठीक है। अब ये इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म है क्या, तो इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया अगर कहीं भी कोई इनोवेशन करता है या फिर इनोवेशन होता है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म पे आके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतने पॉइंट्स इनोवेट इंडिया। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि सिंधी टावर और भारतीय इंफ्राटेल के विलय को किसने मंजूरी दी। जी हमको बताना है कि सिंधी टावर और भारतीय इंफ्राटेल के विलय को किसने मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन है ए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, बी ट्राई, सी सेबी या फिर डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी सेबी, ठीक है। सेबी ने सिंधी टावर और भारतीय इंफ्राटेल को विलय को मंजूरी दी है। अब बात आती है सेबी की, तो इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ जो सेबी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1992 में, ठीक है, 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई, और इसके जो करंट अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय त्यागी। नाम याद रखिएगा, अजय त्यागी सेबी के करंट अध्यक्ष हैं। अब साथ ही साथ आपको ये भारतीय इंफ्राटेल के बारे में एक पॉइंट में बता देता हूँ आपको कि ये एयरटेल कंपनी है वो उसी का ये एक अंग है भारतीय इंफ्राटेल, जो मोबाइल टावर्स लगाने का काम करती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतने पॉइंट्स, बाकी बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है आपको बताना है कि वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। जी आपको बताना है कि वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। आपके ऑप्शन है ए कैनबरा, बी लंदन, सी बीजिंग या फिर डी जोहान्सबर्ग। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी लंदन, ठीक है। तो लंदन में वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। साथ ही साथ अब यहाँ पे सम्मेलन आयोजित हुआ है तो इसका आपको उद्देश्य मैं आपको बताता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है, इसको जो है सम्मेलन करने का। तो विकलांगों के प्रति, विकलांग जो जन है, विकलांग उनके प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए, ठीक है, विकलांगों के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए इस जो सम्मेलन हुआ है इसका जो उद्देश्य है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इस सम्मेलन में जो भारत की ओर से जिन्होंने भारत का नेतृत्व किया है वो सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री धर्वाचंद्र गहलोत, ठीक है, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री धर्वाचंद्र गहलोत ने इस शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से नेतृत्व किया है। और साथ ही साथ इसमें जो ऑप्शन आप डी देख पा रहे होंगे जोहान्सबर्ग, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में जोहान्सबर्ग से जुड़ा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है कि हाल ही में जो 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, 10वां, ठीक है, 10th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो
साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग शिखर सम्मेलन में सम्मिलित आयोजित हुआ है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतने पॉइंट, बाकी बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है देश का पहला ऑल वीमेन होटल कहाँ शुरू किया गया। जी आपको बताना है देश का पहला ऑल वीमेन होटल कहाँ शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल या फिर डी असम। तो दोस्तों इसमें जो का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी केरल। ठीक है, अब ऑल वीमेन होटल से क्या मतलब है। ऑल वीमेन होटल का मतलब है कि इस होटल में जितने सारे वर्किंग स्टाफ होंगे वो सारी लेडीज़ होंगी, और यहाँ पे जो विजिट कर सकते हैं इस होटल में वो भी सारी लेडीज़ होंगी। मतलब टोटल स्टाफ और साथ ही साथ जो गेस्ट इसमें स्टे करेंगे वो सारे लेडीज़ होंगी, इसीलिए इसको कहा गया है ऑल वीमेन होटल। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अब तक आप तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।